हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL, इट्स मी शीनम। आज हम लोग फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता होगा आप लोगों को, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, FRACTION। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, ठीक है। भिन्न कहते हैं। आज हम फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन में दरअसल क्या होता है कि कुछ शेडेड पार्ट होते हैं, कुछ होल पार्ट होते हैं, तो हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्टों में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास टू नंबर आर यूज्ड टू मेक अ फ्रैक्शन। हम दो नंबरों को फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, तो कैसे तब्दील करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई सर्किल है, ये सर्किल है, अब हमने इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब फोर पार्ट में सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब मैंने कुछ पार्ट शेडेड कर दिए, शेडेड छायांकित कर दिए, ठीक है, ऐसे फिलअप कर दिए, ठीक है। बाकी के दो पार्ट ब्लैंक है, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हैं हमारे सर्किल के अंदर, हमने कितने पार्ट बनाए हैं भाई, फोर, 1, 2, 3, 4। तो जो टोटल पार्ट होता है वो अपॉन के नीचे होता है, तो फोर है तो ये फोर नीचे हो जाएगा। अब कितने पार्ट मैंने छायांकित किए हैं, शेडेड किए हैं, टू पार्ट करे हैं, तो ये जो टू पार्ट करे हैं मैंने शेडेड, वो हम अपॉन के ऊपर लिखेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा 2/4। क्या कहलाएगा भाई, 2/4, ओके। तो और चीज़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऐसे पतंगे हैं, है ना, ये मैंने चार पतंग बनाई हैं, काइट्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब मैंने चार काइट ली हैं, जिसमें से मेरी दो काइट शेडेड है, मतलब कलरफुल है, और दो काइट मेरी ब्लैंक है, मतलब वो कोरिंग है, उनके कोई कलर्ड नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल काइट मेरे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4। जो टोटल होता है उसे हम अपॉन के नीचे लिखते हैं, और शेडेड कितनी है मेरे पास काइट, 1, 2। तो जो 2 है वो हम अपॉन के ऊपर लिखेंगे। अब ये जो 2 है, ये 4 है, इसे हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें अक्सर लोग मात खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत मुश्किल से लोगों को फ्रैक्शन समझ में आता है, इजी नहीं होता है फ्रैक्शन समझना। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक होल है, ठीक है, होल है, सर्किल है, अब उसे हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन एंड पार्ट टू। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, है ना। तो टोटल पार्ट कितने हो गए इसके, दो हो गए, जिसमें से एक पार्ट, फॉर एग्जांपल ये आप समझ जाइए, ये आपका पिज्जा है, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड इसे शेयर कर रहे हैं, तो आधा आधा शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इस पिज्जे को हमने टू पार्ट में डिवाइड की दिया, आधा राज खाएगा और आधा रवि खाएगा, ठीक है। तो ये दो फ्रेंड है, राज और रवि, दोनों ने एक पिज्जा को टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है, पार्ट वन राज ने खाया है और पार्ट टू रवि ने खाया है, ईट यानी खाना, ठीक है, ईट किया है। तो टोटल पार्ट कितने हैं भाई, टोटल पार्ट है टू,
और दोनों ने खाया कितना है, एक एक पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू, मतलब एक एक पार्ट ही दोनों ने खाया है। तो जो एक है वो अपॉन के ऊपर लिख जाएगा। अब जो अपॉन के ऊपर लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो टोटल पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं, न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। ठीक है, न्यूमरेटर की स्पेलिंग देख लीजिए, एन यू एम ई आर ए टी ओ आर, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अपॉन के ऊपर वाला जो नंबर होगा वो न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर होगा। क्लियरली इसलिए समझा रही हूँ कि ये हम बेस क्लियर कर रहे हैं अपना। कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं इतना डिटेल पे नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए मैं बेसिक आपका क्लियर करना चाह रही हूँ, एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाए। तो अब बात आती है डेफिनेशन की। क्या बात आती है, डेफिनेशन की। फ्रैक्शन वो होता है जिसे हम a अपॉन बी या फॉर एग्जाम्पल p अपॉन क्यू किसी भी फॉर्म में लिखे, लेकिन वो a अपॉन बी या फिर p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, है ना। a को हम p मान ले या x मान ले, x अपॉन y की q ना मान ले, लेकिन ये इसी फॉर्म में हो, अपॉन के फॉर्म में ही होना चाहिए, x अपॉन y, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि द नंबर ऑफ पार्ट वी आर रेफरिंग टू बिल्ड द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट बिल्ड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने ये समझा कि जो द नंबर ऑफ द फॉर्म होगा वो हमारा a अपॉन बी या फिर p अपॉन क्यू या फिर x अपॉन y या फिर c अपॉन d किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो अपॉन के फॉर्म में हो, दैट मीन्स वो a या b या x, a b या फिर x या a t c, ये क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर होने चाहिए और हमारे b q एंड वाई ये हमारे क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर। तो सीधे और साफ सुथरे शब्दों में कहे कि हमारा फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। क्या, हमारा फ्रैक्शन, इसे हम फ्रैक्शन कहेंगे, अंश अपॉन हर के, अंश बटा हर के फॉर्म में जो चीज होगी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, बट एक शर्त यहाँ लागू होती है कि डिनोमिनेटर जो होती है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, हर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारा फ्रैक्शन a अपॉन b है, तो b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर p अपॉन q है तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर x अपॉन y है हमारा फ्रैक्शन, तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई सी भी फॉर्म में हमारा फ्रैक्शन हो वो उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये एक रूल है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब फ्रैक्शन को हम रेशियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, रेशियो। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी जो आपको याद रखनी थी। अब हम कुछ इसके समझेंगे, फ्रैक्शन को और डिटेल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया गया है 3/5। अब 3/5 दे दिया गया है, ऐसे हमें एक ऐसे, ये 3/5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने एक चौकोर टाइप का बॉक्स बनाया है, उसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। अब ये जो 3 पार्ट है ये हमारे शेडेड है। ठीक है,
और फोर, ये फोर और फाइव जो दो पार्ट है वो ब्लैंक है, तो हम इसे इस टाइप से, अगर इसे हम फ्रैक्शन टाइप में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 3/5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा 5 है और शेडेड पार्ट 3 है, तो जो शेडेड पार्ट है 3 उसे हमने न्यूमरेटर की जगह लिखा है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा 5 है उसे हम नीचे लिखा, टोटल जो चीज होती है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है और चीजों समझते हैं हम डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ये भी समझेंगे हम, ये फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं स्टडी करूंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड चीजें आती है फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कहते हैं हिंदी में समतुल्य। मैं कल आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, आज मैं एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि ये होता क्या है। दरअसल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता ये है कि आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया गया होगा, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा बॉक्स दे दिया है ना, हमें ऑब्जर्व करना है दोनों बॉक्सों के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स है जिसे मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट मेरा शेडेड है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, 1/4 के फॉर्म में ये पहला वाला बॉक्स हो गया, बॉक्स ए, ठीक है। अब मैंने दूसरा बॉक्स लिया है, इसे मैंने फोर पार्ट में पहले डिवाइड किया और फोर पार्ट के सारे पार्टों को फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा टोटल पार्ट कितने हो गए, 8, ठीक है। और मेरे कितने पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो 2/8 हो गया मेरा, है ना, ये बॉक्स भी हो गया। तो मैंने इन दोनों में ऑब्जर्वेशन किया कि मेरे बॉक्स तो सेम है और मैंने पार्ट पहले सेम लिया था फिर उन्हीं पार्टों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरा 1/4 है ये स्क्वायर फॉर्म है किसका, 2/8 का, तो बोथ द स्क्वायर्स आर द सेम साइज, इन द फर्स्ट स्क्वायर 1/4 पार्ट इज शेडेड, द सेकंड स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ दिस 2 पार्ट आर शेडेड आर और 2/8 parts, but we see the shaded parts in the both the squares are identical. Therefore, 1/4 and 2/8 represent the same fraction value. We call such fraction as equivalent fraction. Similarly, 1/4 and 2/8 are equivalent fraction because ये इनका square form है. For example, हमारा जो 1/4 था हमने उसमें 2/2 को same एक number लिया हमने, उस number से हमने 1/4 को 2/2 से multiply कर दिया तो हमारा same आ गया second part जो था हमारा 2/8. तो ये square form हो गया किसका, 2/8 का. तो वी गेट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से सेम नंबर की. फॉर एग्जांपल हमारा इक्विवेलेंट, हमारे पास 4/5 है, हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो हमने किसका करा, 4/5 में 2/2 का करा, तो क्या हो गया, 4 2 8 और 5 2 10, 8/10, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. और एक चीज करते हैं 3/6, अब 3/6 में हम किसका करेंगे, 3/6 में हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन 3/3 का करते हैं, ठीक है. तो ये किस टाइप में हो गया, 3 3 3 9 और 6 3 18, ठीक है. और एक और चीज करते हैं, जैसे कि हमें ये 3/6 ही दिया हुआ है, अब हम ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
तो हम इसे कैसे निकालेंगे कि ये कैसे बना ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसमें किसी ना किसी सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्रैक्शन 1/3 होगा और हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्रैक्शन 1/2 होगा और हमने इसमें सेम नंबर किसका मल्टीप्लीकेशन किया है 3/3 में, सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो हमने 3/3 का करा होगा 1/2 में, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6 प्राप्त हुआ होगा। तो ये जो है कभी कभी ऐसा दे देता है कि 3/6 है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और आप बताइए कि हमने किस सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैसे डेफिनेशन होती है कि भिन्नों के अंश व हर को एक ही संख्या द्वारा गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ऑफ सेम नॉन जीरो नंबर या फिर सेम नंबर, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने करा है यहाँ पे 2/4 को, तो 2/2 मल्टीप्लीकेशन 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू 4/8, ये इक्वल। इससे भी हम और नंबरों से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/2 को ही करा हमने 4/8 को, तो हमें क्या मिल गया 8/16, ऐसे हम करते ही चले जाएंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलता चला जाएगा। तो कल हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको सारे टाइप्स बताऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, सॉरी फ्रैक्शन के टाइप्स बताऊंगी मैं कल आप लोगों को। वैसे एक टाइप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग से समझाना इसलिए पड़ता है कि ये सारे टाइप्स से अलग होता है, बिल्कुल हटके होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। कल हम आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में जाके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे ग्रुप QCL को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए busha.sarthak@gmail.com में अपना नाम के साथ QCL लिखकर भेज दें तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।